गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। नाउ वी विल स्टडी केमिकल एलिमेंट्स एंड अदर एटॉमिक नंबर, बैलेंसी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देन एंड अदर एग्जांपल्स। क्लास नाइन्थ में आपने बेटा कुछ केमिकल सिंबल पढ़े होंगे। केमिकल सिंबल जो मैं बोलना चाह रहा हूं, हमें केमिकल इक्वेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए इन सबको पढ़ना जरूरी है। लेकिन बेटा आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है क्लास टेंथ का, जो मैं कहना जा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें कि जैसे ही मैं टेंथ आज पहला वीडियो स्टार्ट किया है, वहीं से आप आपकी फेयर कॉपी लें। उस फेयर कॉपी में आपको रिटर्न वर्क करना है, और वो भी कैसे, जैसे हम सीरियल नंबर से पढ़ते हैं उसी तरह वहीं से आपको स्टडी करनी है। सभी स्टूडेंट्स यानी स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है, आप घर पे रह के तरीके से पढ़ाई करें और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। लेकिन आपकी जो स्टडी है वी विल कंटिन्यू, हम सबको जारी रखनी है, क्योंकि स्टडी जो है वो आपका फ्यूचर है। आप उसको बिल्कुल ऐसा न समझें कि जैसे लॉकडाउन है या कर्फ्यू है, तो आपकी स्टडी का कर्फ्यू है। स्टडी आपको कंप्लीट करनी है, कंटिन्यू रखनी है। उसके लिए आप हेल्प लेंगे आपका मोबाइल, आपकी बुक, पेन, कॉपी। जैसे आपको वीडियो सेंड किया जाए, क्या मैटर दिया है, टॉपिक क्या चल रहा है, जो भी टॉपिक कंटिन्यू आपको दिया जा रहा है, उस टॉपिक को कंटिन्यू आपको स्टडी में लेना है, उसकी स्टडी करनी है। जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे, आप पूछना चाहते हैं, आप मैसेज करें, आपका डाउट क्लियर करें, उसको समझें, ठीक है। अब जो न्यू सिलेबस आपका आया एनसीईआरटी, यानी लगभग हम देखें पूरे इंडिया के अंदर एक ही बुक चलेगी। आगे आपको आईआईटी नीट कहीं भी आपको जाना है तो पढ़ाई में ज्यादा डिफरेंस ना हो। एनसीईआरटी का मतलब बेटा आप जानते होंगे, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अनुसंधान संगठन। इसके द्वारा जो बुक अब जो हमें चलाई गई है, एनसीईआरटी सिलेबस ऑल इंडिया एक ही है। इस बार यानी लगभग 1 to 16 चैप्टर इन दिस बुक, टेंथ क्लास की साइंस बुक है, उसमें लगभग 16 चैप्टर कंप्लीट है। उस 16 चैप्टर जो कंप्लीट है, पूरी बुक को 4 पार्टों में डिवाइड किया है। टोटल चैप्टर हैं 1 to 16 चैप्टर। चैप्टर 1 to 5 चैप्टर 1 to 5 केमिस्ट्री, कौन सा चैप्टर, केमिस्ट्री 1 to 5, देन सेकेंड 6 to 8, 6 to 9, 6 to 9, क्योंकि जैसे पहला आपका यहां पर चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन का है, सेकेंड चैप्टर वो एसिड बेस एंड साल्ट है, थर्ड आपका जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, एंड फोर्थ जो चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिटी ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल। ये आपके 5 जो चैप्टर हैं ये केमिस्ट्री को बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर 6 to 9, ये चैप्टर आपके बायो के हैं, बायोलॉजी। चैप्टर 6 बायो प्रोसेस,
बायोप्रोसेस के अंदर हम एक तरह से ह्यूमन सिस्टम की स्टडी की जाती है एंड प्लांट सिस्टम की स्टडी की जाती है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस या O2 CO2 एक्सचेंज बाई प्लांट एंड एनिमल्स, ह्यूमन सिस्टम के अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सट्रेशन, इन सब की स्टडी की जाती है। देन चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी को हम किस प्रकार कंट्रोल करते हैं, किस प्रकार उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। यानी इन दिस चैप्टर इज स्टडी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन एंड डिफरेंट टाइप हार्मोन्स। चैप्टर 9 हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं, चाहे वो जीव कॉर्डेट हो, नॉन कॉर्डेट हो या प्लांट्स के अंदर हो, किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन चैप्टर नाइन के अंदर हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की जेनेटिक करेक्टर वन जनरेशन मूव टू अदर जनरेशन या न्यू स्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ए ब्रांचेस ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जेनेटिक्स इज द ब्रांचेज ऑफ साइंस इन विच स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इसके बारे में। एंड ह्यूमन एवोल्यूशन का मेन जो रीजन है वो क्या है, वेरिएशंस है। यदि हम हमारे माता पिता से डिफरेंट नहीं हो तो एवोल्यूशन कैसे होगा, ह्यूमन का विकास कैसे होता। यानी सोचो जो 5-10 हज़ार पहले साल जो मानव था वैसा ही आज होता यदि हमें वेरिएशंस नहीं होती तो। आज जो वेरिएशंस है कि हम हमारे पेरेंट से डिफरेंट हैं, वो डिफरेंट होने का कारण है ह्यूमन एवोल्यूशन की, मानव का विकास हुआ। देन चैप्टर नंबर 10-13 ये आपका है फिजिक्स। अब आपको देखो आगे मान लो साइंस लेनी है 11th, तो आपको यहीं से स्टडी स्टार्ट करनी होगी, 9th से करनी होती है। 9th में आपने अब तक जो भी किया चलेगा, लेकिन अब आपको नॉर्मल वे में यदि आप सोचें लाइटली तो वो नहीं चलेगा। साइंस आपको लेनी है, आप तरीके से स्टडी आपकी स्टार्ट कीजिएगा, तब आप आपकी मजबूती स्ट्रेंथ बना पाओगे, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम का जो कमज़ोर बालक होता है वो कोई भी स्टडी नहीं कर सकता, ना वो आर्ट पढ़ सकता है, ना साइंस, ना कॉमर्स, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए बेटा अभी टाइम है, शुरुआत करने जा रहे हैं, और इस स्टार्टिंग टाइम से ही यदि आप आपके इरादों को पक्का बनाएं, आपका गोल डिसाइड करें और आप स्टडी जारी रखें, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 चार चैप्टर फिजिक्स के टॉपिक हैं, और जो टॉप यहाँ पर फिजिक्स में है 10th में वही चैप्टर आपके 12th में है। यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है चैप्टर 1-13 लगभग पूरा का पूरा चैप्टर आपका 11-12th में है। अब चैप्टर जो आफ्टर 13 चैप्टर हैं 14, 15 और 16 ये चैप्टर आपका इन्वायरमेंट का है जो बायोलॉजी के अंदर है कंप्लीट, क्योंकि बायोलॉजी के पार्ट में आता है इन्वायरमेंट। तो चैप्टर 14-16 है वो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट। तो इस प्रकार हमें इस पूरी बुक को चार पार्टों में डिवाइड करके उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हमें केमिस्ट्री पढ़ना है तो इस केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे सिंबल, एलिमेंट सिंबल, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्वों के प्रतीक। और तत्वों के प्रतीक यानी आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन यदि हमें अब नए सिरे से पढ़ना है, आपको आता है अच्छी बात, नहीं आए तब भी आपको यहां से टॉपिक लेना है। देखिए सिंबल ऑफ एलिमेंट,
टोटल एलिमेंट एट प्रेजेंट 118 इन पीरियोडिक टेबल। वर्तमान में हम देखें हमारी जो पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसकी बात कर रहा हूं जिसे हेनरी मोजले ने 1913 में रिप्रोड्यूस किया था, बनाया था, ठीक है। 118 एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स को टोटल एलिमेंट डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट एस पी डी एंड एफ, टोटल एलिमेंट्स को चार पार्टों में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन चारों पार्टों में अलग अलग बताया है, जैसे एल्कली एलिमेंट्स, जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो एल्कली एलिमेंट है, सोइल एलिमेंट्स है। देन पी ब्लॉक एलिमेंट, ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। देन डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांसमिटेड एलिमेंट एंड ए ब्लॉक इंटर ट्रांसमिटेड एलिमेंट। सब जितने भी एक ब्लॉक हैं, ब्लॉक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपना क्लासिफिकेशन है, अपना फार्मूला है, अपनी बैलेंस ही है, ठीक है। उस आधार पर उसको कंप्लीट डिवाइड किया है। यहां मैं आपको शुरू बेस शुरू से ले रहा हूं, यानी हाइड्रोजन से ले रहा हूं, जहां से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए आपने पढ़ा हो पी बराबर जेड बराबर ई, पी बराबर जेड बराबर ई। पी मीन्स मैं कहूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड का मतलब है यहां पर एटॉमिक नंबर, ई का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी आर इक्वल जेड आर इक्वल ई, तीनों की वैल्यू इक्वल होती है। यदि मैं कहूं आपसे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इससे चेंज है। एटॉमिक मास का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया जाए तब आप उसका एटॉमिक मास निकालो, ठीक है। तो यहां सबसे पहले मैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की बात करूंगा कि तत्वों के प्रतीक क्या है, तत्वों के प्रतीक देखिएगा। तो सबसे पहले आप जो टेबल लेंगे उसमें एटॉमिक नंबर, देन सेकंड नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, बैलेंसी, एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर वन नेम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल एच, बैलेंसी प्लस माइनस वन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन वन। डायग्राम में आप देखें न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन, देन सेकेंड हीलियम, हेलियम सिंबल एच ई, बैलेंसी जीरो, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन टू। देखिए आप डायग्राम में ये लो, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट। यहां पर ये ऑर्बिट जो देखें, आपने इलेक्ट्रॉन भरा हो, आपने इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप किया होगा। क्लास नाइन्थ के अंदर आपने पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर के बारे में कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिलअप करना बताया था बोर एंड बरी ने, अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी
यहां पर जो मैं आपको एलिमेंट बता रहा हूं, एलिमेंट बताए थे वर्जीलियस ने, अकॉर्डिंग टू वर्जीलियस ये जो हाइड्रोजन हीलियम पढ़ते हुए आप एलिमेंट, ये वर्जीलियस ने दिए थे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, सबसे पहले जो एलिमेंट के बारे में बताया था वो डाल्टन ने बताया था सिंबल के बारे में। जैसे आपको जो सिंबल है वो एक तरह से साइन के रूप में है, प्रतीक चिन्हों के रूप में है। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड भी होंगे, लैटिन वर्ड भी होंगे, इनका जो ऑरिजिन स्पेस है वो भी होगा। इस बेस पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सिंबल दिया गया है। जबकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन देखें, अकॉर्डिंग डाल्टन में जैसे ये बना दिया आपका, ये ऑक्सीजन का सिंबल है, ठीक है, ये आपका इस तरह आपको बना दिया, ये मरकरी है, ठीक है, ये आपका इस तरह बना दिया सिंबल, इस तरह आयोडीन बना दिया। तो ये सब सिंबल अकॉर्डिंग टू डाल्टन है, जो अब ये एक तरह ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, देन नंबर थर्ड, लिथियम सिंबल एल आई, वैलेंसी 1, कॉन्ट्रीब्यूशन 2-1। नंबर फोर बेरिलियम, बेरिलियम VE, नंबर 2, 2 एंड 2। आउटर मोस्ट शेल में यानी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2, जैसे लिथियम आता है एक और ऑर्बिट बन जाएगा और ऑर्बिट में इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1। देन सेकंड ऑर्बिट के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट 2 एंड देन सेकंड ऑर्बिट में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 2 कितने हो गए, 4। ये अब डायग्राम किसका हो गया, बेरिलियम का। देन नेक्स्ट नंबर 5, बोरोन वी एंड बैलेंस 3, कॉन्फिगरेशन 2-3। सिंबल देखें, डायग्राम ये हो गया बोरोन का। नंबर 6, कार्बन सिंबल C, बैलेंसी 4, 2, 4, ये डायग्राम हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट 7, नाइट्रोजन सिंबल N एंड बैलेंसी -3, 2, 5। अब ये -3 क्यों, बाकी तो प्लस में है, ये -3 क्यों, देखिएगा बेटा। आउटर मोस्ट शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 एंड कंप्लीट ऑक्टेव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। इसका जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमारे पास कितने बेटा, 5 है। अब इन 5 को जैसे ही आप इसमें भरोगे, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, लैक इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, कंप्लीट ऑक्टेव होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 3। इसलिए बैलेंसी कितनी इसकी, -3। यानी यदि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन 8, ऑक्सीजन ओ -2, 2 एंड 6, देख लीजिए आप डायग्राम में। आउटर मोस्ट शेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, अकॉर्डिंग टू बोरबरी टोल्ड लास्ट ऑर्बिट आउटर मोस्ट शेल मैक्सिमम फिलअप इलेक्ट्रॉन नंबर 8, अधिकतम आप 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं बोरबरी ने कहा था, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर 9, फ्लोरीन F -1, 2, 7, 10, नियॉन Ne 0, 2, 8, ये लो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमें लगभग 1 to 10 एलिमेंट। देन नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, इसको आप ऐसे ही बने रहने दें। नेक्स्ट देखेंगे हम 11 टू
ट्वेंटी देखिए, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 11, सोडियम सिंबल Na, Na मीन्स नेट्रियम, नेट्रियम इज लैटिन वर्ड नेम सोडियम, सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है, ठीक है। बाकी सोडियम का फर्स्ट जो वर्ड है वो S है, लेकिन S जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है सल्फर को, इसलिए यहाँ हम सोडियम का जो एलिमेंट है सोडियम एलिमेंट इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na लैटिन वर्ड होता है नेट्रियम। वैलेंसी प्लस वन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे कॉन्फिगरेशन 2, 8, 1। वैलेंसी वन कैसे हुई, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैलेंसी प्लस वन हो जाएगी। जैसे अब तक आप डायग्राम देख रहे थे, ये इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर कंप्लीट दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 हो गए ना कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 देन सेकंड में 8। नंबर थर्ड ऑर्बिट यहाँ से शुरू हो जाता है 2, 8 बन, देखो आप यहाँ पर जो थर्ड ऑर्बिट है ये शुरू हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट 2 देन सेकंड 8 एंड 1, तो एक और ऑर्बिट यहाँ पर बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। देन सेकंड 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। यहां मैं 12 पर लूंगा मैग्नीशियम, सिंबल है Mg, वैलेंसी प्लस 2, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2, 8, 2। डायग्राम देख लीजिए, नंबर थर्ड 13 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिंबल Al प्लस 3, 2, 8, 3। डायग्राम में ये देखो, ये एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है। नंबर 14 सिलिकॉन, सिलिकॉन Si, वैलेंसी प्लस 4, माइनस भी हो सकता है, 2, 8, 4, ये डायग्राम हो गया सिलिकॉन का डायग्राम। देन नेक्स्ट फास्फोरस, सिंबल P, माइनस 3, प्लस 5 भी कभी कभी काम आता है, लेकिन आपको ध्यान देना है माइनस 3 पर हमें यही काम लेना है, क्यों, आउटर मोस्ट शेल में लेफ्ट के 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए इसकी बैलेंसी माइनस 3, 2, 8 एंड 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट होते हैं, इसलिए इसकी बैलेंसी माइनस 3। सल्फर, सल्फर S, बैलेंसी माइनस 2, कॉन्फिगरेशन 2, 8, 6। देन नेक्स्ट क्लोरीन, सिंबल Cl, माइनस 1, 2, 8, 7। देखिए डायग्राम, ये डायग्राम अभी किसका था, फास्फोरस का, ये सल्फर का हो गया, ये क्लोरीन का हो गया। देन नेक्स्ट 18 आर्गन,
आर्गन, आर्गन का सिंबल होता है AR, वैलेंस इज जीरो, वाई, व्हाट वाई, वैलेंस इज जीरो ऑफ आर्गन, रीजन क्या है? इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट फिलअप हो चुकी है, इसलिए किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसकी बैलेंस ही शून्य। दे 19 पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के, पोटेशियम का लैटिन वर्ड केलियम होता है, केलियम से के लिया गया है, और इसकी बैलेंस ही +1। ऑर्बिट नेक्स्ट शुरू हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट फिलअप हो गया, तो न्यू ऑर्बिट यहाँ से बन जाता है, जनरेट हो जाएगी नई ऑर्बिट, ये लो, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो ये अब पोटेशियम का डायग्राम हो गया। देन नेक्स्ट 20 कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ca, +2 वैलेंसी है, 2, 8, 8 और 2, और ये इसका डायग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ आपको मैंने इस वीडियो के अंदर 1 to 20 एलिमेंट्स, सिंबल ऑफ एलिमेंट, बैलेंस ऑफ एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के बारे में आपको नॉलेज आपने लिया, और इसको आप कंप्लीटली फेयर के अंदर एक तरह से आप सीरियल वाइज जिसको करें। आगे हम कल 21 से 30 एंड अदर रिक्वायर्ड जो एलिमेंट है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, देन आगे फॉर्मेशन ऑफ फार्मूलाज उसकी बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।